लोहा पॉपलेट फिश की बिरयानी जिसको ब्लैक पॉपलेट भी कहते हैं। तो देखिए इसके मैंने इस तरीके से पीस कर लिए हैं। थोड़ी बड़ी साइज़ के आपको फ़िश लेनी है अगर आप बिरयानी बना रहे हो तो, क्योंकि बड़ी साइज़ की लेने से वो टूटती भी नहीं है और अच्छी भी लगती है, प्रेजेंटेबल लगती है दिखने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़िश को क्लीन करके अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, मैंने इसको वॉश कर लिया। अब हम इस पर मसाला लगाएंगे। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे एक छोटा चम्मच, और 1.5 चम्मच इसमें तेज़ वाली लाल मिर्ची ऐड करेंगे। थोड़ी आप कश्मीरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। अब हम इसमें 1.5 छोटे चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे। हम फ़िश को जो है फ्राई करके बिरयानी में डालने वाले हैं। फ्राई करने से फ़िश टूटती नहीं है और क्रिस्पी रहती है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। अब सारे मसालों को हल्के हल्के हाथों से हमें फ़िश पर लगा लेना है। फ़िश जो है थोड़ी नाजुक होती है, टूट जाती है, इसके लिए हल्के हाथों से जो है अच्छे से मसाले को लगा लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। देखिए फ़िश पर मैंने मसाला लगा दिया है, इसको 10 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं। अब हम हमारे जो बिरयानी के राइस है उनको बॉईल करेंगे। तो पानी रख दिया है मैंने, पानी को अच्छे से देखिए बॉईल कर लिया है। इसमें मैं 3 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 2 ग्लास चावल के लिए 3 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। खड़े मसालों में 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता और 1 छोटा चम्मच हम इसमें शाह ज़ीरा ऐड करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल डालने से चावल जो है चिपकते नहीं है, बॉईल होने के बाद खिले खिले होते हैं, अच्छे बॉईल हो जाते हैं चावल। तो देखिए 2 ग्लास चावलों को आधे घंटे तक मैंने भिगो कर रखा था। अब हम इसमें बासमती चावल ऐड कर देंगे और इसको फुल फ्लेम पर बॉईल होने देंगे और फिर निथार लेना है जब एक कनी रह जाएगी चावल में तब। तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन ले लिया है, इसमें ऑयल को गरम कर लेंगे अच्छे से। और सबसे पहले हम अपनी जो फ़िश को हमने मसाला लगा के रखा था उसको फ्राई कर लेना है, अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करना है। पक जाना चाहिए, पूरी कुक हो जाना चाहिए फ़िश। तो देखिए एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। तो फिश को मैंने उल्टी पलटी करके हर कोने से फ्राई कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हम फिश को साइड में रख देंगे और हम स्टार्ट करते हैं बिरयानी का मसाला बनाना। तो बिरयानी का मसाला बनाने के लिए मैंने 5 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। उसमें दालचीनी, हरी इलायची, लौंग, काली मिरी, जावित्री और छोटा सा टुकड़ा जायफल, और मैंने स्टार फूल भी लिया है। गरम मसाले चटकने के बाद इसमें 4 बड़े साइज़ की प्याज को पतला पतला सा बारीक कट कर लेना है। पतले पतले स्लाइस कट करेंगे और इसको हमें बिरिस्ता बना लेना है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। थोड़ी सी मैं निकाल ले रही हूँ फ्राई की भी प्याज ऊपर से डालने के लिए बिरयानी में। तो प्याज को हमें जलाना नहीं है, ज़्यादा जला दोगे तो कड़वा टेस्ट आएगा इसका। बस इसको ब्राउन, गोल्डन ब्राउन देखिए मैंने फ्राई किया है। अब लो फ्लेम कर देंगे और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्ची का पिसा हुआ पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हमें भून लेना है अच्छे से। हरे मसाला इसको बोलते हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची के पेस्ट को तेल ऊपर आने तक और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सब 1 टेबल स्पून लिया है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, कश्मीरी मिर्ची पाउडर और नमक। हल्दी 1 टीस्पून लेंगे, बाकी सब 1 टेबल स्पून लेना है। और 1 नींबू का रस ऐड करेंगे इसमें।
और मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। लो फ्लेम पर भूनेंगे। आप चाहे दही ऐड करना तो इस वक्त कर सकते हैं, बट मैं सी फूड की रेसिपीज़ में दही का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। या फिर आप नारियल का दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर खोपरा पीस कर भी डाल सकते हैं। तो मसाला भुनने के बाद 3 बड़े साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्ची को कट करके हम इसमें डालेंगे और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले ना, हमारे बर्तन में लगे ना। अब लो फ्लेम पर इसको रख देते हैं गलने के लिए। देखिए टमाटर पूरे घुल चुके हैं अच्छे से। थोड़े कटे हुए पुदीने ऐड कर देंगे, कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इस पर। अब इसको मिक्स कर लेंगे और ये मसाला जो है हमारा बनकर रेडी है। थोड़ा सा इसमें बस मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है ये मसाला। देखिए बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और बस ये बनकर अब रेडी है। इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। मसाला सारा मैंने निकाल लिया है, अब हम लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बॉईल किए हुए राइस डालेंगे। देखिए चावल हमारे कितने अच्छे से उबल गए हैं, खिले खिले, अलग अलग, चिपके नहीं हैं एक दूसरे में। चावलों को पहले हम फैला लेंगे अच्छी तरह से। अब जो मसाला हमने बनाया है वो इसके ऊपर पूरा डाल देना है। मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ। अगर आप 2 लेयर लगा रहे हैं तो पहले राइस डालें, फिर आधा मसाला डालें, फिर राइस डालने के बाद बाकी आधा मसाला डालें, ठीक है। बट मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ तो मैंने सारा मसाला अभी ही डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर हमारे बाकी के बचे हुए चावलों को डालेंगे। सारे चावलों को देखिए मैंने डाल के अच्छे से फैलाया है। नींबू का रस डाल देंगे ऊपर से। एक चम्मच मैंने लिया है देसी घी, तो देसी घी को भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा साइडों में भी डालेंगे और बीच में भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में। अब ये केसर है, मैंने इसको पानी में भिगा कर रखा था, ये भी डाल देंगे। ऑरेंज फूड कलर डालेंगे इसमें, केवड़ा एसेंस मिलाकर ही मैंने कलर के साथ ऐड कर दिया है। कटा हुआ पुदीना और कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। और थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज जो हमने निकाल कर रखे थे वो भी डाल देंगे। अब लास्ट में हम जो फ्राई करके रखे थे मच्छी को वो इसके ऊपर एक एक पीस फैला देने हैं। तो सारे देखो मच्छी को मैंने बिछा दिया है, मच्छी के पीसेस को। अब हम इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा जो भी साफ़ हो वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि दम अच्छे से हो हमारी बिरयानी में। इसके ऊपर अब प्लेट से इसको कवर कर देंगे। आप चाहे तो कोई वज़न चीज़ भी इसके ऊपर रख सकते हैं। इसको अब हम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे देंगे। जब तक इसमें से भाप ना आने लगे तब तक इसको हमें दम देना है। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह देखिए ऐसी भाप निकलनी चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी बिरयानी की खुशबुएँ आ रही है और मच्छी भी देखिए बिल्कुल अक्की अक्की है, टूटी नहीं है। वरना अक्सर जो है फिश किसी किसी की टूट जाती है बिरयानी में, बट जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपकी जो है मच्छी टूटेगी नहीं। तो सबसे पहले हम फिश को जो है ना, फिश के पीसेस को साइड में कर देते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह हमारी बिरयानी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल खिले खिले चावल हमारे बने हैं और बहुत ही लजीज है ये रेसिपी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो मैं आपको अभी इसको सर्व करके बताती हूँ डिश में। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी फूड बिरयानी जो है हलवा पॉपलेट की बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर इसको बनाएं, इंजॉय करें। दावतों में बना सकते हैं, वीकेंड्स में बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इजी तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, कमेंट करें मुझे, मेरी रेसिपी को फुल वॉच करें और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।